मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। सुशांत और जिया खान जैसे क्यों फंस गए? क्योंकि वो लोग बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को तो 3 साल पूरे होने वाले हैं, पर क्या आप जानती हैं जिया खान वाला मामला जो हुआ था 2013 में और 2023 में इस मामले को लेकर बड़ा फैसला 28 अप्रैल को सुना दिया गया है। और उस फैसले के बाद कई सारे लोग निराश हैं और उस फैसले के बाद लोग अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार जिया केस में 10 साल के बाद ये फैसला सुनाया गया है तो फिर सुशांत केस में क्या फैसला सुनाया जाएगा। और इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हो प्रियंका सिंह जी या फिर राबिया खान जी हो जो कि जिया खान की मदर थी, उनके भी बड़े बयान निकल के आ रहे हैं। पर उन बयानों के बाद सूरज पंचोली जो इस पूरे मामले में बरी हो चुके हैं उनकी मुसीबतें क्या बढ़ सकती हैं, क्योंकि राबिया खान जी ने एक बड़ी बात बोल दी है। और साथ में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर जो थे गणेश शिवारकर, उन्होंने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दें कि प्रियंका सिंह जी ने एक बड़ा ट्वीट करा है। उनका कहना है कि सुशांत केस हो, जिया केस हो या फिर दिशा केस हो, इन सारे केसों में जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स नेक्सस हुआ है, उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि उनका इशारा किस तरफ है। तो उसी प्रकार वो ट्वीट कर रही हैं। एक और ट्वीट किया है उन्होंने, और ये ट्वीट किया है जब जिया खान वाले मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है। इस ट्वीट में वो कहती हैं राबिया खान जी को कि मैं आपका दर्द, मैं आपका पेन इस समय महसूस कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पेशल कोर्ट ने, जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने, उसने 10 साल के बाद जिया खान वाले मामले में सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। और ये बोल के बरी किया है कि कोई भी सबूत पुख्ता नहीं मिले हैं, इसलिए सूरज पंचोली को इस मामले से बरी किया जाता है। और उसके बाद देखा गया कि सूरज पंचोली अपने घर पहुंचते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करके हाथ जोड़ते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। एक तरफ मिठाई बंट रही थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राबिया खान जी बाहर निकल के आती हैं और कोर्ट के बाहर आकर जब वो मीडिया से बात करती हैं तो बोलती हैं कि ये तो एक तरफ की बात हुई कि बैडमिंटन सोसाइटी जो लोग कह रहे थे उसको लेकर कोर्ट ने ये बात रख दी है। पर राबिया खान जी को कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप हमारे डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकती हैं। और राबिया खान जी बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी, ये बात उन्होंने ही कही है। और उनका एक और कहना है कि अभी इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल बाकी है, वो एंगल है मर्डर का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ये जानना है कि मेरी बेटी को किसने खत्म किया। आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैपनिंग। Yes, why not? And Jia will get justice. Please don't give up hope. She will get justice. What will be your next step? Take all the evidences and go to the court. Go to the High Court, go to the Supreme Court. अगर जहाँ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो रही है सबूत को मिटाने के लिए, जैसे मेरे केस में भी मेरी बच्ची का ट्रैक सूट आज तक मिसिंग है। अब वो कौन ले गया? पुलिस को कहा कि भाई पता लगाइए, आपका ऑफिसर तो नहीं लेके गया। हाँ मैं पता लगा लूंगी। हाँ अरे आज तक आपने पता नहीं लगवाया है और सारे इल्जाम आप अपने जो जो इल्जाम आपको मिल सकते हैं आप बस फैमिली के अंदर ढाल दो। अरे आपने हमको ये नहीं बताया, आपने नहीं कहा कि ये मर्डर है। हम तो शुरू से कह रहे हैं मर्डर है, आप सुने तो ना। मैं जो कुछ कहती हूँ आप तो FIR में कुछ और लिखते हैं, आप मेरी FIR बदल देते हैं और कह देते हैं कि हमने डाली है, हमारी हमने अपनी अकल इस्तेमाल की है कि ये ब्रेकअप बुके था। CBI ने तो वो ब्रेकअप बुके को बिल्कुल डिसमिस कर दिया। आप समझ रहे हैं ये पुलिस की राबिया जी, यानी इन लोगों का जो मकसद होता है ना, जिया के मामले में भी देखा और सुशांत के मामले में भी देखा कि पहले इनको इतना मेंटल टॉर्चर कर दो कि अपने स्टार्डम से भटक जाए और उसके बाद इनकी जान ले लो। सभी को पहले तो क्रिमिनल्स ने बेचारे विक्टिम को बिल्कुल ही मेंटली टॉर्चर कर दिया, उसके बाद में फिर पुलिस आ जाती है और ये क्रिमिनल की सारी फैमिली आ जाती है विक्टिम की फैमिली को टॉर्चर करने के लिए। पर हम नहीं है, हम टॉर्चर में नहीं है। आंसू छलकते हैं उन लोगों के लिए। मैं देखती हूँ जिस तरह सुशांत को मारा गया था, उसका दुपट्टा जो दिख रहा था, जो वो नहीं है जो दिख रहा है, वो है जो दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ शुरुआत से कि जिया मामला जो है ये मर्डर वाला मामला है, ये सिंपल मामला नहीं है। तो कहीं ना कहीं राबिया खान जी बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी, फिर ये मामला क्या आगे बढ़ेगा और क्या फिर से सूरज पंचोली की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ सूरज पंचोली मिठाई बांट रहे हैं क्योंकि उनको इस मामले से बरी कर दिया गया है। बरी करने के बाद कहा जा रहा है कि राबिया खान जी का बड़ा स्टेटमेंट निकलने के बाद अब क्या सूरज पंचोली के लिए फिर से परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर साथ में अगर हम बताएं यहाँ पर, सूरज पंचोली जब कोर्ट कल पहुंचे थे तब इनके साथ एक शख्स दिखा था। ये शख्स कौन था आप जानते हैं? अगर आप इनको नहीं पहचान पाए तो आपको याद दिला दें, ये दीपक साहू हैं। दीपक साहू कौन है? दीपक साहू हैं जो संदीप सिंह, अंकिता लोखंडे की मीडिया मैनेजर थी। और इनको 2020 में आपने देखा होगा जब रिपब्लिक संदीप सिंह से बात करना चाहती थी, तब रिपब्लिक के सुहेल जो थे, जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने दीपक से बात करी थी। तब दीपक साहू का जाता था मीडिया
मैनेजर थे संदीप सिंह के, और अब ये दिख रहे हैं किसके साथ, सूरज पंचोली के साथ, और मीडिया मैनेजर ये अंकिता लोखंडे के भी थे। तो कहीं ना कहीं दीपक साहू बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट है, और आज भी ये देखे गए जब सूरज पंचोली कोर्ट पहुंचे थे। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि गणेश शिवारका जो है, जो कि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ट्वीट करा। उनका ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि वो क्या लिखते हैं आपको मैं वो पढ़ के ही सुना देता हूँ। वो लिखते हैं, 2013 के जिया खान केस में सीबीआई और कोर्ट ने 10 साल बाद कहा सबूतों की कमी की वजह से सूरज पंचोली निर्दोष साबित होते हैं। 10 साल बाद फैसला आया तो ये आया। सोचो सुशांत केस का क्या होगा, क्या अभी भी शांत रहोगे तुम लोग? कुछ करो, सुशांत के साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा कहना है गणेश शिवारकर, जो सुशांत के कोरियोग्राफर हैं उनका। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी यहाँ पर नाराज़गी दिखाई दी है, और यही नाराज़गी प्रियंका सिंह जी ने भी जाहिर करी है, और यही नाराज़गी कहा जा रहा है कि राबिया खान जी भी जाहिर कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं राबिया खान जी बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी, फिर वहाँ पर फैसला होगा, और फिर क्या फैसला निकलेगा तो वक्त बताएगा, और वो ट्रायल कब तक चलेगी ये भी कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राबिया खान जी ने दावा करा था अपने हाल ही में आई हुई वीडियो में कि उन्होंने बहुत सारे सबूत जाकर सीबीआई को खुद दिए थे, और सीबीआई के कई ऑफिसर्स ने उनको बुलाया था और ये बोला था कि हमको रोका जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर है, ये उनका ही बयान था, और वो प्रेशर को लेकर उन्होंने एक बड़े एक्टर का नाम भी लिया था। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या परमानेंटली सूरज पंचोली इस पूरे मामले से बरी हो चुके हैं, या फिर जब बॉम्बे हाईकोर्ट शिफ्ट होंगी राबिया खान, तब क्या सूरज पंचोली को फिर से ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा? अब ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर सुशांत मामले को 3 साल हुए हैं, जिस तरीके से सुशांत मामले में सीबीआई जांच कर रही है, जिस तरीके से इस मामले में ऑफिशियली तौर पर कोई भी बड़ी चीज़ या बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है, तो क्या प्रतीत होता है इसको देख कर कि क्या सुशांत मामला भी ऐसा ही चलता रहेगा, और एक वक्त आने के बाद यही बोल दिया जाएगा कि सबूतों की कमी की वजह से कुछ नहीं मिला इस पूरे मामले में? ये बहुत बड़ा सवाल आज बन रहा है, क्योंकि ये सवाल आज हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आज उन सारे फैंस के मन में है जो 28 अप्रैल का वेट कर रहे थे कि जिया खान वाले मामले में जो वर्डिक आएगी, जो बातें बोली जाएंगी, जो फैसला आएगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सुशांत मामले में। क्योंकि राबिया खान जी का ये कहना था अपने एक इंटरव्यू में, आप उनके इंटरव्यू जाके देख सकते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जिया खान वाला मामला हो, सुशांत मामला हो, इसमें सब चीज़ें सिमिलर हैं, और वही लोग इन्वॉल्व हैं जो जिया खान में थे, ऐसा कहना था राबिया खान जी का। अगर ये बात सच है तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो आज फैसला आया है जिया खान वाले मामले में, उसका फैसला देखा जाए तो सुशांत का भी फैसला क्या आज ही आ गया है? ये तो वक्त बताएगा, देखिए कि क्या होगा सुशांत मामले का। पर जिया खान वाले मामले में फैसला आने के बाद कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में लिखी जा रही हैं। अब देखने वाला विषय है कि आगे क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर सुशांत मामले में जो चीज़ें सोशल मीडिया में निकल के आई थी, उसका महत्व कितना है कितना नहीं, ये तो तभी पता लगेगा जब सीबीआई अपनी ओर से फाइनल कंक्लूजन रखेगी, फाइनल रिपोर्ट रखेगी देश के सामने, और जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपनी वर्डिक देगा, तब क्या बोलेगा कोर्ट सुशांत मामले को लेकर, ये तो तभी पता लगेगा। पर आपको क्या लगता है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से जिया खान वाले मामले में बड़ा फैसला निकल के आया है, इसको देखा जाए तो कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर में जाके देखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और वहीं पर कहा जा रहा है कि अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार जब सुशांत केस का सच बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा, क्योंकि उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी लगातार एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और लगातार वो ट्वीट करती हैं, ट्वीट के माध्यम से बहुत सारी बातें वो लिखती हैं। तो आपको क्या लगता है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और उम्मीद है आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे, और हम यहाँ पर जो कुछ बताते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं, सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के निकल के आता है, वही आपके सामने ला के रखते हैं, और राबिया खान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बातें बोली हैं, वही आपके सामने ला के रखी है। तो उम्मीद है आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे, और उम्मीद है जो सच होगा वो बाहर आएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।